नमस्कार दोस्तों, टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर मंगल के बारे में और बटला हाउस के बारे में। इन दोनों फिल्मों में काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है, कौन आगे है कौन पीछे है और किसने कितना कलेक्शन कर लिया है और किसका रिव्यू सबसे अधिक रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार के मिशन मंगल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मिशन मंगल मूवी जो है इंडिया के मिशन मार्स के ऊपर बनाई गई है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में नज़र आएंगे अक्षय कुमार और साथ में विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा, तापसी तन्नू, नित्या मेमन और शर्मन जोशी। और दोस्तों, इस फिल्म के जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो साउथ के जाने माने डायरेक्टर हैं जगल शक्ति, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद अक्षय कुमार हैं। और इस फिल्म को 30 करोड़ की लागत से बनाई गई है, जो उसका पूरा जो बजट है वो 30 करोड़ रुपए का है और 30 करोड़ रुपए में बनी है। लेकिन तो ये फिल्म पहले ही दिन, जिस दिन ये रिलीज हुई, ठीक पहले ही दिन इसने 30 करोड़ का कारोबार कर ली थी, जो कि दंगल को भी पीछे इसने कर दी है। और दोस्तों, दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन 17 करोड़ 28 लाख रुपए का कारोबार की है इस फिल्म ने। काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि वर्किंग डे था, इसके बावजूद भी इस फिल्म ने 17 करोड़ 28 लाख का कारोबार की है। और तीसरे दिन भी इसकी ज़बरदस्त ओपनिंग देखने को मिली है, जो कि 23 करोड़ 58 लाख रुपए की टोटल कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म चौथे दिन भी काफ़ी अच्छा कारोबार कर लिया है। चौथा दिन यानी वीकेंड यानी संडे को हर मूवी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता ही है, और इस मूवी ने 27 करोड़ 54 लाख रुपए का वीकेंड में कलेक्शन किया है। दोस्तों, इस हिसाब से वीकेंड तक इस मूवी ने 97 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। और पाँचवें दिन दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा इसका भी, 12 करोड़ रुपये की है। और छठे दिन 25 से 30% ऑक्युपेंसी के साथ ये फिल्म ओपन हुई थी। इसके साथ ही साथ ये फिल्म छठे दिन भी काफ़ी अच्छी कमाई कर ली थी, जो कि 10 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से दोस्तों, फिल्म ने पूरे इंडिया में 120 करोड़ रुपए की कमाई की है, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो 170 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है इसने। और अब बात कर लेते हैं जॉन इब्राहिम की फिल्म बटला हाउस के बारे में, जो कि 2008 के बटला हाउस के इनकाउंटर के ऊपर बनाई गई ये फिल्म है। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम लीड रोल में नज़र आ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं मोनाल ठाकुर और रवि किशन। बताते चले दोस्तों आपको, इस फिल्म की डायरेक्टर किया है निखिल आडवाणी ने और प्रोड्यूसर किया है टी सीरीज कंपनी ने। तो बात की जाए इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छा ये भी कारोबार कर रही है, लेकिन तो ये मिशन मंगल से काफ़ी पीछे है। और पहले दिन का जो इसका कलेक्शन था वो 15 करोड़ 59 लाख था, और दूसरे दिन का 7 करोड़ 90 लाख था, तीसरे दिन का 11 करोड़ और चौथे दिन का जो था 12 करोड़ 70 लाख। टोटल इसने 47 करोड़ कर लिया था। वीकेंड होते होते इस फिल्म ने 72 करोड़ कर लिया था। और दोस्तों, अब माना जा रहा है कि 7 दिनों में इसने टोटल जो कलेक्शन किया हुआ वो 92 करोड़ रुपये का कर लिया है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको दोनों मूवी के बारे में कौन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।